हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मॉम सिंपल कुकिंग। आप सबका स्वागत है सिंपल मॉम सिंपल कुकिंग पे। हम सब ने पैनकेक तो खाया होगा, लेकिन पैनकेक बॉल्स ये थोड़ा यूनिक है, राइट? वी ऑल हैव हैड पैनकेक्स, बट पैनकेक बॉल्स इट्स समथिंग यूनिक, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इक्वल क्वांटिटी ऑफ पफ्ड राइस एंड ओट्स पाउडर, इक्वल क्वांटिटी में मुरमुरा और ओट्स पाउडर चाहिए, आटा चाहिए, व्हीट फ्लावर, 1 टेबलस्पून ऑफ होममेड मलाई दैट्स क्रीम, मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, जैगरी पाउडर एंड मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स। और सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपको सेमी थिक कंसिस्टेंसी करना है। वी नीड टू मेक इट सेमी थिक कंसिस्टेंसी बाय एडिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड टुवर्ड्स द एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ इनो एंड लिटिल वाटर। आखिर में आपको इनो और थोड़ा पानी डालना है और सेमी थिक कंसिस्टेंसी बनाने के बाद अप्पे या पनियारम सेट में आपको दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। After making it a semi-thick consistency, you need to put it in the appe or paniyaram set and cook till both sides turn golden brown. And once done, we need to make 3 fillings. First one is with the orange, cocoa powder and milkmaid. इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपको अच्छे से मिक्स करना, तो ये आपका पहला इन फिलिंग रेडी है। We need to add orange, cocoa powder and milk meal and your first ingredient filling is ready. The second filling is you have to smash ripe banana and mix it with sugar and then towards the end caramelize sugar and add to the smashed ripe mango. आपको पहले बनाना को अच्छे से स्मैश करना है और शक्कर के साथ मिक्स करना है और फिर शुगर को थोड़ा कैरमलाइज करके उसमें मिक्स करना है, तो आपका सेकेंड फिलिंग कैरमलाइज्ड है। योर सेकेंड फिलिंग ऑफ कैरमलाइज्ड राइप बनाना इज रेडी। Now the third filling is of honey and rose petals. The third filling is of honey and rose petals. So your third filling is ready. Now you have to make holes into the balls and put in your fillings of your choice and serve your delicious and super yummy पैनकेक बॉल्स। आपको बीच में से होल्स बना के आपको ये फिलिंग्स डालने हैं, तो आपका सुपर यमी और सुपर डिलिशियस और यूनिक रेसिपी तैयार है।